हम सब इतने कंजर्वेटिव वर्ल्ड में बड़े हुए हैं कि बॉडी या सेक्स के बारे में बात करना बहुत अनकंफर्टेबल होता है। घर पर किसिंग सीन देखकर हम आंखें बंद कर लेते हैं, पॉर्न देखकर सेक्स के बारे में समझते हैं, पर टीवी एंड पॉर्न कभी सही रिप्रेजेंटेशन नहीं देती। हमारी बॉडीज एंड सेक्स मेनस्ट्रीम मीडिया पोर्ट्रेयल से बहुत डिफरेंट होती है। इस वजह से ऐसे कई मिथ्स हैं जो हम बिलीव करते आए हैं। तो आज हम ऐसे सेक्स मिथ्स के बारे में बात करेंगे जो बहुत कॉमनली बिलीव किए जाते हैं एंड उनको डिबंक करेंगे। सेक्स करना पाप है। काफी कल्चर्स में सेक्स आफ्टर मैरिज को इम्पोर्टेंस दी जाती है, टू द पॉइंट कि अगर आप मैरिज सर्टिफिकेट के बिना सेक्स करते हैं तो आपको सोसाइटी का पार्ट नहीं माना जाता। ह्यूमंस आर कार्नल बींग्स, वी नीड सेक्स। मैस्क्यू थ्योरी के हिसाब से सेक्स एक फिजियोलॉजिकल नीड होती है, लाइक स्लीपिंग एंड ईटिंग। तो जैसे स्लीपिंग एंड ईटिंग नॉर्मलाइज्ड है, सेक्स भी नॉर्मल नीड होती है। रही बात हमारे कल्चर की, रिलीजन्स की, अगर आप उनमें विश्वास रखते हैं एंड सेक्स में एंगेज नहीं करना चाहते या इवन किसी भी और रीजन से सेक्स में एंगेज नहीं करना चाहते, दैट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। अपने बिलीव्स अपने तक रखिए एंड इट्स ऑल गुड। सो नो, सेक्स करना पाप नहीं है। सबकी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं एंड वी शुड रिस्पेक्ट दैट। ऑल्सो सब पर अपनी प्रेफरेंसेस भी फोर्स नहीं करनी चाहिए। सेक्स में एंगेज करने वाले लोग किसी भी जेंडर, रिलीजन या कास्ट के हो सकते हैं। सेक्स सिर्फ पेनेट्रेशन नहीं होता, सिर्फ दो लोगों के बीच में नहीं होता और सिर्फ लड़का लड़की के बीच नहीं होता। देयर सो मच मोर टू सेक्स देन वी नो। हम जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकली ग्रो कर रहे हैं, वैसे वैसे कल्चरली भी ग्रो करना चाहिए। फर्स्ट टाइम सेक्स हर्ट्स। सबका फर्स्ट टाइम सेक्स का एक्सपीरियंस काफी डिफरेंट होता है, बट काफी लोगों को लगता है कि फर्स्ट टाइम सेक्स पेनफुल होता है। सेक्स शुड नॉट बी पेनफुल, चाहे वो फर्स्ट टाइम हो या 20th। आपकी वजाइना मसल्स से बनी होती है, जब वो मसल्स रिलैक्स नहीं होती तो आप पेन एक्सपीरियंस करते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम सेक्स में एंगेज कर रहे हैं, देन रिमेंबर टू एंगेज इन फोरप्ले। फोरप्ले इज लाइक अ वार्म अप दैट मेक्स सेक्स मोर कंफर्टेबल। फॉर एग्जांपल, किसिंग, कडलिंग एंड डर्टी टॉक इज अ पार्ट ऑफ फोरप्ले। इससे आपकी बॉडी रिलैक्स होती है और सेक्स में एंगेज करने के मूड में आती है। अनदर थिंग जिससे सेक्स विल बी कंफर्टेबल इज यूजिंग अ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट एक लिक्विड या जेल बेस्ड सब्सटेंस होता है। हमारी वजाइना सेल्फ लुब्रिकेटिंग होती है, बट कभी कभी वजाइना खुद को लुब्रिकेट नहीं कर पाती, जिससे पेनेट्रेशन अनकंफर्टेबल एंड पेनफुल हो सकता है। इसीलिए लूब यूज करना इज इम्पॉर्टेंट टू रिड्यूस फ्रिक्शन। आप ओरल एंड पेनेट्रेटिव सेक्स में लूब यूज कर सकते हैं। अगर ये आपका फर्स्ट टाइम है एंड इफ यू आर स्केयर्ड अबाउट एंगेजिंग डायरेक्टली इन पेनेट्रेटिव सेक्स, आप फिंगरिंग से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इससे आपकी वजाइनल मसल्स रिलैक्स करेंगी एंड यू विल फील मोर एट ईज। इफ यू डू एंड अ फीलिंग पेन, अपने डॉक्टर से सलाह लें। साइज मैटर्स। जैसे मेनस्ट्रीम मीडिया में बूब्स की साइज पर काफी एम्फेसिस डाला जाता है, वैसे ही पीनस साइज को भी बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। पीनस का साइज छोटा होने पर मजाक उड़ाया जाता है। पॉर्न में मेनस्ट्रीम मीडिया में बिग डिक्स को प्रमोट किया जाता है। इस वजह से काफी लोगों को बॉडी इमेज इश्यूज होने लगते हैं। रियल लाइफ में पीनस साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी साइज में प्लेजर फील कर सकते हैं एंड अपने पार्टनर को भी फील करवा सकते हैं। सिर्फ पेनेट्रेशन ही एक इकलौता जरिया नहीं है टू फील प्लेजर। जिन लोगों के पास वल्वास होते हैं, वो मोस्टली क्लिटोरल स्टिमुलेशन से ऑर्गाज्म एक्सपीरियंस कर पाते हैं। इसके अलावा, अगर आपके पार्टनर पीनस पेनेट्रेशन से प्लेजर महसूस नहीं कर पा रहे, देन देयर आर अ लॉट ऑफ मोर वेज टू प्लेजर योर पार्टनर। आपका पीनस साइज आपकी सेक्स लाइफ पर कोई इफेक्ट नहीं डालता। अगर आप पार्टनर के साथ कंफर्टेबल हैं एंड उन्हें पसंद करते हैं, तो किसी भी बॉडी पार्ट का साइज मैटर नहीं करता। इफ देयर इज कम्युनिकेशन एंड यू अंडरस्टैंड ईच अदर, देन दैट्स द की। ऑल्सो, एक बड़ी पीनस आपको ज्यादा मैनली नहीं बनाती। पीनस साइज एंड मैनलीनेस का कोई रिलेशन नहीं है। यू आर अ मैन इफ यू आइडेंटिफाई एज वन। पीरियड। वजाइना लूजंस विद एक्टिव सेक्स लाइफ। वजाइना एक इलास्टिक ऑर्गन होता है आपकी बॉडी में। ये एक्सपैंड हो सकता है जब आप मेंस्ट्रुअल कप या टैम्पॉन्स यूज करते हैं, सेक्स करते हैं या खुद को फिंगर करते हैं। ये फिर वापस अपने ओरिजिनल शेप में चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अराउज्ड होते हैं, वजाइनल मसल्स रिलैक्स स्टेट में आ जाती है, जिससे पेनेट्रेशन ईजी हो जाता है। वजाइनल मसल्स इलास्टिक बैंड की तरह फ्लेक्सिबल होती है। सो नहीं, सेक्स से आपकी वजाइना लूज नहीं होती। बट अगर आपने कई वजाइनल डिलीवरीज करनी है चाइल्ड बर्थ के दौरान, या अगर वो चाइल्ड बर्थ डिफिकल्ट रहे हैं, तो आपकी वजाइनल मसल्स की इलास्टिसिटी डिक्रीज हो सकती है। ऑल्सो, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, आपकी वजाइनल मसल्स थोड़ी थोड़ी लूजन अप होती जाएंगी। हमारी वजाइना कोई कपड़ा नहीं है जिसे टाइट करवाने से फिटिंग अच्छी आएगी। हमारी वजाइना एक स्ट्रेचेबल ड्रेस की तरह होती है, जो खुद से स्पेस बना लेती है। सो लूज या टाइट वजाइना के बारे में कंसर्न होने से बेटर
फैक्टर है कि हम हमारे बॉडी को एक्सप्लोर करने में टाइम स्पेंड करें। एक लूज या एक टाइट वजाइना आपके बारे में कुछ नहीं बताती। ये पुराने जमाने में एक तरीका होता था टू कंट्रोल विमेन। आपकी सेक्सुअलिटी एंड आपका प्लेजर आपके हाथों में है। मास्टरबेशन के साइड इफेक्ट्स होते हैं। मास्टरबेशन से हेयर फॉल, मेमोरी लॉस, डिक्रीज इन पेनिस साइज, स्टैमिना जैसे काफी क्वेश्चंस हम सबके दिमाग में आते हैं। तो क्या ये सच में मास्टरबेशन के साइड इफेक्ट्स होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। मास्टरबेशन एक हेल्दी तरीका है जिससे आप अपनी बॉडी को बेहतर समझ सकते हैं। अगर आप हर रोज मास्टरबेशन में एंगेज करते हैं वो भी नॉर्मल होता है। अगर मास्टरबेशन से आपकी डेली लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो बहुत कम चांसेस है कि ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मास्टरबेशन से डेली लाइफ में दिक्कतें बढ़ रही हैं तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इनफैक्ट मास्टरबेशन के कई फायदे भी होते हैं, जैसे कि स्ट्रेस रिलीफ एंड इम्प्रूव स्लीप। मास्टरबेशन इज अ सेफ वे टू इंडल्ज इन सेक्सुअल प्लेजर विदाउट द रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी और STDs। मास्टरबेशन इज अ ग्रेट वे जिससे वी कैन अंडरस्टैंड आवर ओन बॉडीज बेटर एंड ये पीरियड क्रैम्प्स से भी रिलीफ दिलवाता है। मास्टरबेशन या सेल्फ प्लेजर में एंगेज करना इज अ नॉर्मल थिंग। ऑलमोस्ट एवरीबॉडी डज इट एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ। It's completely okay to start earlier than most people expect you to, and it's completely normal to take your time with it. सबकी अलग timelines होती हैं। Sex या bodies के बारे में बात करना completely normal है। इससे आपको आपकी body के बारे में बेहतर जानकारी मिलती है और आप अपनी body के साथ और comfortable होते हैं। I hope ये video आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो video को like करें और comment में बताएं कि आपको next video कौन सा देखना है। हमारे channel नक्षल को subscribe भी करें।